वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर क्रश फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपके क्रश जो है वो आपकी तरफ किस तरीके से फील करते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को इन्जॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पर सिक्स ऑफ कॉइंस, कुछ और कार्ड्स भी बताती हूँ मैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर थ्री ऑफ कॉइंस, जस्टिस लिब्रा एनर्जी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द सन लियो एनर्जी है। यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिजोनेट करना। आप किसी वर्किंग प्लेस पे काम करते हो या जहाँ पर आप रोज़ जाते हो वहाँ पे जो है ये पर्सन होंगे, और वो जो है उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया होगा, ये कह के दिया होगा कि मेरा बर्थडे था, आप रिटर्न गिफ्ट ले लो, या कोई ऐसी कुछ भी रैंडम जो है वो ओकेजन हो सकता है, तो उस पर जो है इस पर्सन ने आपको गिफ्ट दिया होगा। उस गिफ्ट में जो है इस पर्सन ने कुछ ना कुछ चिट डाली होगी या कुछ लिखा होगा अंदर से, ठीक है, और ये पर्सन जो है वो आपको पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है वो आपके जो फेयर बैलेंस्ड नेचर है या जो फिरोशियस तरीके का नेचर है आपका, जो भी आपका जेंडर हो, इससे भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये पर्सन जो है वो थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं अपने इमोशंस को साफ साफ या एक्सप्रेस करने में, इसलिए जो है वो लिख कर भेजना पसंद करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर वो बन पाए, या वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, बीच पे जो है वो सूरज को उगते हुए देखना चाहते हैं, ढलते हुए देखना चाहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके साथ जो है वो जो क्या बोलते हैं उसे घुड़सवारी करना चाहते हैं, और जो वो बग्घी होती है ना जो पुराने टाइम पे रॉयल एम्पायर के लिए चलती थी, कि भाई चार घोड़े आगे चल रहे हैं और पीछे एक कार टाइप सी होती थी, उसे क्या बोलते हैं पता नहीं, बग्घी बोलते हैं आई थिंक, ठीक है, तो उसमें जो है बैठकर आपको देखना निहारना, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, वो बड़े रोमांटिक पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फाइव ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, अभी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ, ओके। यहाँ पे इस पर्सन को जो है वो ये लगता है कि कभी कभी ये मतलब सोच के उदास हो जाते होंगे कि आप जो है कोई डिसीजन ही ना लो, अगर उनको अपनी तरफ आने ही ना दो, अपनी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखो, फीलिंग्स को देखने ही ना दो या समझने ना दो, तो वो चीज़ जो है वो इन्हें हर्ट करेगी। और ये भी चीज़ है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपके ऊपर गलत इंप्रेशन तो नहीं पड़ रहा कि वो सेल्फिश हैं या वो जो है आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ऐसा उनका मानना है। ये सब उनके ख्याली पुलाव है, ऐसा आपके मन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन आया, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया, तो आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो अपने लिए, और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और ये जो एनर्जी है कि आप प्रोटेक्टिव हो अपने लिए, ये इस पर्सन को जो है वो और ज़्यादा जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, कि आप सेलेक्टिव बहुत ज़्यादा हो और आपके सिलेक्शन में आ पाना हर एक के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, और नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग पे जाना चाहते हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको वो सोचना नहीं चाहते हैं फिलहाल। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है, आपके आसपास रहते हैं तो उन्हें हैप्पीनेस महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, उनके मन में जो फीलिंग्स आपके लिए हैं। और थ्री ऑफ कप्स है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन है। लेकिन वो आपके इनर चाइल्ड को, जो आपकी सॉफ्टनेस है, सेंसिटिव जो नेचर है, उसको जो है वो जानने की इच्छा रखते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। ये एफर्ट्स लगाएगा ये पर्सन, जो भी जेंडर है, कि आप एक्चुअली में उससे प्रभावित हो पाएँ, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। लास्ट में आ रहा है आपके लिए एस ऑफ कॉइंस आया है और एम्प्रेस आया, आपको इसी तरीके से वो देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए उनकी तरफ से। सपोर्टिव, आप बहुत सपोर्टिव हो, ये पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। लव इज़ लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर, तो ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो हो सकता है उनके मन में ऐसा चीज़ आई हो कि बहुत कुछ उन्हें लर्न करना है या आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लिसन टू आर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हेयर, तो हो सकता है उन्हें पता हो आपका कोई स्पेसिफिक गाना जो आपको पसंद है और वो उसको सुनते हैं बड़े ध्यान से।
नेक्स्ट आ रहा है रिलीजियस फैक्टर्स, तो हो सकता है कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हों आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट है कहना चाहते हैं आपको माय बिलवर्ड, नेक्स्ट है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए आई कुड हैंग आउट विद यू ऑल डे। तो जो मैंने कहा कि बीच पे घूमना चाहते हैं, आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं, बीच पे सन को देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो खूब घूमना चाहते हैं आपके साथ, डेट पे जाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। आस्क योर लव वन, डेस्टिनी जो है आपको कह रही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है शुरू करना चाहो, या फिर ऑनलाइन बिजनेस का ये आइडिया ये पर्सन आपको दे सकते हैं, उस वजह से आप लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ें। और हिडन सरप्राइजेज है, आप लोगों की फ्रेंडशिप तो ज़रूर हो ही जाएगी, आगे रिलेशनशिप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो आप दोनों के एक्शंस पे और मंजूरी पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। चांद छुपा बादल में, हम दिल दे चुके सनम, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक सेकंड, जब से जुदा अश्विनी मचल का, देख लेना कौन सा गाना है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।